जी20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया रवाना हुए पीएम मोदी। दुनिया भर के दिग्गज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात। बाली से देखिए न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज। मोदी के नेतृत्व में क्या रास्ता दिखाएगा भारत, देखिए महाशक्तियों के महामिलन में। मेरे यानी नीरज कुमार और कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया पर फिर सजेगा चुनाव का सबसे बड़ा मंच गुजरात चुनाव पर। क्या है दिग्गजों के दावे, दोपहर 3 बजे से देखिए गुजरात अधिवेशन। सजेगा चुनाव का सबसे बड़ा मंच गुजरात अधिवेशन न्यूज 18 इंडिया पर। गुजरात चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का पहला इंटरव्यू गुजरात अधिवेशन में। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के साथ रात 8 बजे देखिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कश्मीर पर नेहरू की गलतियों पर फिर लिखा लेख। कश्मीर के हालात के लिए नेहरू के निजी एजेंडों को बताया जिम्मेदार। पिछले लेख पर कांग्रेस के वार पर भी किया पलटवार। नेहरू जी के लिए देश हित बाद में आते हैं और शेख अब्दुल्ला उनके अपना दोस्त का इंटरेस्ट या नेहरू जी का जो अपना मत है वो ज्यादा मायने रखते थे। उदयपुर रेलवे ट्रैक धमाके मामले में जांच हुई तेज। एटीएस और रेलवे के साथ एनआईए, एनएसजी और आईबी भी शुरू कर चुके हैं तफ्तीश। विस्फोट के लिए हुआ जिलेटिन का इस्तेमाल। महाराष्ट्र एटीएस ने मालेगांव से इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना इरफान को किया गिरफ्तार। पीएफआई से संबंध रखने का आरोप। लिविन में साथ रहने वाली लड़की की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शव के कई टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग इलाके में फेंका। 5 महीने से आरोपी की चल रही थी तलाश। आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ कुछ मिला है उसको भी। इट इज येट टू बी कंफर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं। भीषण धमाके से दहला तुर्की का इस्तांबुल। भीड़ भरे इलाके में हुए धमाके में 6 लोगों की गई जान, कई घायल। तुर्की की मीडिया ने हमले में शामिल संदिग्ध महिला की तस्वीरें जारी की। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर वन न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।